कि इस वक्त जल्दी से एक बार बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और उनसे पूछते हैं कि फार्मा शेयरों से जुड़ी हुई कुछ एक बड़ी खबर उनके पास है, तो एक बार जल्दी से पहले ब्रजेश के पास चलते हैं और उनसे इस बड़ी खबर पर लेते हैं राय। एक्सक्लूसिव खबर ब्रजेश, बताएं क्या है बड़ी खबर और किन फार्मा कंपनी से जुड़ी हुई? बिल्कुल, ये बड़ी खबर जो है वो ब्लैक फंगस के में काम आने वाली जो दवाई है एम्फोसेरेटिन बी, उसके नई अर्जियों को लेकर के है। आज उस पर एक बैठक हो रही है और इसमें तीन दवा कंपनियां हैं, जैसे कि नेटको फार्मा है, इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा है और जीफ्रिक बायोसाइंसेस। तो कुल 6 कंपनियों ने अर्जी दी है, लेकिन इसमें से ये 3 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनकी अर्जियों पर आज विचार होगा। इन कंपनियों ने अर्जी दी है क्योंकि इस दवा की डिमांड बहुत ज्यादा है, जो ब्लैक फंगस को रोकने में काम आती है। कोरोना के बाद बहुत सारे मरीजों में ये बीमारी देखी जा रही है। तो इन कंपनियों पर जो है 6 कंपनियों की अर्जियों पर, जिसमें से 3 लिस्टेड के नाम मैंने बताए, नेटको, एलेम्बिक और ग्यूफिक बायोसाइंसेस, तो इन पर इनकी अर्जियों पर आज विचार होगा। ये मीटिंग सुबह 12 बजे शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी जो है डीसीजीआई की, वो इन अर्जियों पर विचार करेगी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे में कंपनियां जो है अर्जी दे रही है कि उनको बनाने का मौका दिया जाए ताकि मार्केट की सप्लाई को पूरा कर पाए। अभी अगर देखें तो करीब 16 कंपनियां हैं जो ये दवा बनाती थी, लेकिन इन 16 कंपनियों के बावजूद भी मार्केट में इतनी शॉर्टेज है कि कहा जा रहा है कि कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे सप्लाई नॉर्मल होने में। ऐसे में जितने नए प्लेयर्स आएंगे तो उनके लिए बिजनेस का मौका तो होगा ही, साथ ही जो मार्केट में इस दवा की कमी है उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। एक बड़ी मीटिंग आज होने जा रही है और ब्रजेश, इस मीटिंग का आउटकम कब और क्या आएगा, किस तरह का आ सकता है, मैं उसके लिए आपके पास आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को बता दूं, 3 कंपनियों पर फोकस है कि एलेम्बिक फार्मा, नेटको फार्मा और गुफिक बायो, ये वो 3 कंपनियां हैं जिनके लिए आज बड़ा फैसला होगा। जो ब्लैक फंगस में काम आने वाली दवा है एम्फोटेरेसिन, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने उनके टॉप मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात करवाई थी, अंबालाल साराभाई के, जो एपीआई बनाते हैं और वो एपीआई बना के इन कंपनियों को देते हैं। तो इन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और साथ ही कुछ कंपनियों ने प्रोडक्शन की शुरुआत के लिए एक मंजूरी मांगी है, और ये मंजूरी मांगी है उन्होंने SEC से। ये हमारे यहाँ का है, अमेरिका का नहीं, हमारे यहाँ की जो दवाओं को मॉनिटरिंग करने वाली एक कमीशन है उसका नाम है, तो उनसे उन्होंने एक अप्रूवल मांगी है और इन 3 कंपनियों के लिए एक बड़ा एक्शन वाला दिन आज हो सकता है। तो इसके बारे में क्या आज ही फैसला होने की उम्मीद है ब्रजेश? SEC क्या ये फैसला लेगा कि कब कितनी दवाएं बनाने के लिए मंजूरी दी जाए, प्रोडक्शन कितना किस हद तक बढ़ाया जाए, राइट? नहीं, मुख्य तौर पर यह होगा कि जो दवा कंपनियां अपना प्लान देंगी कि उनके पास डेटा क्या है, क्या क्लिनिकल ट्रायल में क्या डेटा आया, उनके पास किस तरह से वो बनाने वाली हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी में, वो फिर उन कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि ठीक है नहीं है, डेटा सफिशियंट है नहीं है, तरीका ठीक है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद ये जो है अपना अप्रूवल देंगे कि किन कंपनी का डेटा ठीक है, क्वालिटी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, सेफ्टी को लेकर समस्या नहीं होगी, जिस तरह से वो डेटा उनके पास एप्लीकेशन आया हुआ होगा, और उसके बाद अप्रूवल जो है उनकी तरफ से हो जाएगा। फिर जो अंतिम फैसला होता है वो DCGI का होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होता है। और आज के हालात में अगर देखें कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है और दवाओं की जिस तरह से किल्लत है, तो DCGI आजकल दवाओं की मंजूरी और बाकी जो भी प्रोसेस है उस मंजूरी में ज्यादा वक्त नहीं लगा रहा है। अगर सेफ्टी पैरामीटर पर सब कुछ ठीक ठाक है तो बहुत जल्दी जो है मंजूरी दे दी जाती है आजकल।